नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आगामी समय में आपके प्रदेश में और देश में जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उसी के लिए संस्थान द्वारा करंट की श्रृंखला आयोजित की गई है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको केवल इन नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, इस एपिसोड को एक बार देखना है और तुरंत आपको उतना करंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आइए आज इस एपिसोड के अगले क्रम में हम लोग बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा जितनी भी रिपोर्ट आपकी जारी की गई हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर हम लोग बात करेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट और आंकड़ों पर हम लोग बात करेंगे। चर्चित पुस्तकें एवं लेखकों पर आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। चर्चित पुस्तकों में उन पुस्तकों को भी शामिल किया गया है जिन्हें किसी न किसी कारण या जिनसे जुड़े हुए लेखक को किसी न किसी कारण से कोई पुरस्कार दिया गया है, और उस पुरस्कार से वो व्यक्ति विशेष में भी महत्वपूर्ण है और पुस्तक विशेष में भी महत्वपूर्ण है, ऐसी सभी पुस्तकों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार की रिपोर्ट में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक दो वर्ष पर वन एवं सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को जारी किया जाता है, और इस बार भी ये रिपोर्ट जारी की गई 2019 में। यह 2019 की जो रिपोर्ट थी यह 16वीं रिपोर्ट थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वन रिपोर्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम 16वीं वन रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 अर्थात क्रम में 16वीं रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की जाती है। यदि हम बात करें कि FSI का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो FSI का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, 1965 में एक अलग नाम से, और 1981 में फिर इसको भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग बना दिया गया। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो नाम दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। हालांकि यह विभाग अलग नाम से 1965 में ही फंक्शन में आ चुका था, कार्य करना प्रारंभ कर चुका था। इस रिपोर्ट पर बात करने से पहले पहले यह बात करते हैं कि यदि हम 15वीं वन रिपोर्ट और 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना करें, तो 15वीं वन रिपोर्ट से 16वीं वन रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी नई चीजें हैं, क्योंकि जो नई चीजें जोड़ी गई हैं वही आपसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आइए पहले उस पर बात करते हैं कि क्यों ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, क्यों इसमें। तो 16वीं वन रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए एक नया अध्याय जोड़ा गया। 15वीं रिपोर्ट से किस प्रकार देखें, इसमें सबसे पहले एक नया अध्याय जोड़ा गया। इस अध्याय का नाम क्या था, वनों के प्रकार और जैव विविधता। वनों के प्रकार और जैव विविधता इस अध्याय का नाम था। पौधों और वनस्पति को 16 भागों में विभाजित किया गया है। वनों के प्रकार और जैव विविधता को जोड़कर नए अध्याय को पौधों और वनस्पति को 16 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर। अब आप बताइए कि 16 भागों में विभाजन क्यों हुआ। इस विभाजन को कहा गया है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1968 में चैंपियन एवं सेठ ने भारतीय वनस्पति को 16 भागों में वर्गीकृत किया था, और आज तक का यह सबसे मान्य वर्गीकरण और सबसे अच्छा और लोकप्रिय वर्गीकरण माना जाता है। उसी रिसर्च के आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट, 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वनों के प्रकार और जैव विविधता, और उसी प्रकार पौधों और वनस्पतियों को 16 भागों में विभाजित किया गया। तो आपको इस नए अध्याय का नाम याद रखना है, कितने भागों में विभाजित किया गया ये याद रखना है, और ये विभाजन सबसे पहले किसका था ये याद रखना है, और इस विभाजन को क्या कहा गया बताइए, चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। आइए अब आगे देखते हैं। FSI द्वारा दो वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, और इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर यह वन रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है वह है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब है 24.56% हम इसको कहेंगे।
अभी बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र जो है वो 21.67% है। प्रश्न आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कुल वनावरण, एक आपसे पूछा जाता है कुल वृक्षावरण, वृक्षावरण, और एक आपसे पूछा जाता है कुल वन क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल वन क्षेत्रफल कितना है तो आपका होगा 24.56%। अगर आपसे पूछा जाए कुल वनावरण कितना है तो आपका होगा 21.67%। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वृक्षावरण कितना है तो आपका होगा 2.89%। आपको ये तीनों ही डाटा याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों ही डाटा आपसे क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। अगर हम 2017 की 15वीं जो वन रिपोर्ट थी उसकी तुलना में देश की कुल वन और वृक्ष आच्छादन में जो वृद्धि है वो अगर हम प्रतिशत में देखें तो 0.65% की वृद्धि है, और वर्ग किलोमीटर में अगर हम लोग देखें तो 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। क्लियर? तो अगर दो रिपोर्ट को हम लोग तुलना कर रहे हैं तो जो वृद्धि है तो आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 15वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 16वीं वन रिपोर्ट में जो वन क्षेत्र है या वृक्ष आच्छादन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 0.65% की वृद्धि आपकी यहां पर देखी गई। वनावरण में जो वृद्धि हुई अगर किलोमीटर में कहें तो 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, और वृक्षावरण की वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो 1212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। तो वनावरण, मैंने कहा तीन चीज याद रखनी है, वनावरण ध्यान दीजिएगा हर जगह, वृक्षावरण और कुल वन क्षेत्र, वनावरण वृक्षावरण और कुल वन क्षेत्र, तीन चीज आपको याद यहां पर रखनी है, तीनों को आप यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर, और मैंग्रोव वन में वृद्धि जो हुई वो कितनी हुई, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई मैंग्रोव वन क्षेत्र में। ठीक है, आइए देखिए, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा वहां पर कि पश्चिम बंगाल में पद्मा और मेघना नदी दोनों मिलकर एक पर्यावरणीय घटना होती है जिसको आप कहते हैं अवसाद का जमाव। ये प्रश्न आईएएस में आपसे पूछा भी जा चुका है, अवसाद का जमाव। इसके मुहाने पर एक डेल्टा बनता है जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है? तो पद्मा और मेघना नदियों में पर्यावरणीय घटना क्या होती है, अवसाद के जमाव। अवसाद के जमाव के कारण जो डेल्टा बनता है वो सुंदरवन डेल्टा है। यहां पर मैंग्रोव वन क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है, मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है यहां पर सबसे अधिक पाया जाता है, और यहां पर सुंदरी के वृक्षों की अधिकता है, सुंदरी के वृक्षों की यहां पर अधिकता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो सबसे जो सुंदरवन डेल्टा में जो सबसे ज्यादा वन, कौन सा वन क्षेत्र पाया जाता है, मैंग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है, और सुंदरी के वृक्षों की यहां पर क्या है बताइए, अधिकता है। किस पर्यावरणीय घटना के जमाव के कारण, अवसाद के जमाव के कारण, किस किस मेघना और पद्मा नदी अगर हम लोग देखें तो इसके मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य अगर हम लोग देखें तो देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर हम 15वीं रिपोर्ट और 16वीं रिपोर्ट को कंपेयर करें, दोनों को अगर हमने तुलना किया तो इस तुलना के आधार पर सबसे ज्यादा वृक्ष या सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में हुई। देखिए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र होना एक अलग विषय है, और वन क्षेत्र में वृद्धि का होना एक अलग विषय है। वन क्षेत्र में वृद्धि का मतलब है कि दो रिपोर्ट्स को कंपेयर करने पर वह जिस राज्य ने सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि की उसका नाम आएगा, और कुल वन क्षेत्रफल की जो बात है वो बिल्कुल क्या है, अलग है, वो अलग एक मामला। तो यहां पर आपको प्रश्न को याद रखना है, आपसे पूछा क्या जाता है, वन क्षेत्र में वृद्धि, वृद्धि का मतलब यह है कि तुलना है दो वन रिपोर्ट की, पिछली की और इसकी, उस तुलना के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, आपका कर्नाटक है। इसका मतलब है इस दो वर्ष के अंतराल में कर्नाटक प्रदेश ने सबसे ज्यादा वन लगाए और वन की वृद्धि की। यदि हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा
वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो आपका राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो आपका राज्य है वो हरियाणा। ये भी आपको यहां पे याद रखना है, क्लियर है। हाँ, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है बताओ, मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है बताइए, हरियाणा है। और अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए बनाम प्रतिशत वाला राज्य, तो प्रतिशत के आधार पर कौन सा है, मिजोरम। अब देखिए, दो क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बताइए, मध्य प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पर कौन सा है, मिजोरम। सबसे कम पूछा जाए अगर दोनों में ही तो कौन सा है आपका, हरियाणा। यहां पर आपको यह ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में 62,466 आर्द्र भूमिया देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। यह भी आंकड़ा आपका देख लीजिएगा, कुल कितनी आर्द्र भूमिया है, 62,466 आर्द्र भूमिया है जो 3.83 क्षेत्र में आपके विस्तृत है। देखिए, आपके लिए जितना जरूरी है नोट्स में उतने ही पॉइंट्स लिखे गए हैं, अनावश्यक दबाव बनाने वाले पॉइंट्स नहीं लिखे गए हैं। नहीं तो अगर ऐसे वन रिपोर्ट को लिखना हो तो 70 पन्ने भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो आपके किसी कार्य के नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत ऑथेंटिक, जितना परीक्षा में आपसे पूछा जाता है उतना ही यहां पर वर्णन किया गया है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, तो अगर इन 62,466 में देखा जाए कि सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहां पर हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला राज्य कौन सा है बताइए, आपका गुजरात है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। आइए, बाघ गणना रिपोर्ट 2018, भारत में बाघों की कुल संख्या जो इस समय है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 28 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई, 1967 कुल बाघ है भारत में, क्लियर। 2014-2018 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है, जो हम लोगों के लिए बहुत सुखद है, अच्छी बात है, और भी बाघ वृद्धि आगे करनी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके राज्यवार आंकड़े देख लीजिए। अगर हम लोग कहें बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, 526। कर्नाटक भी थोड़ा सा ही पीछे है, यहां पे 524 है। तो ऊपर से दूसरा स्थान किसका है बताइए, बाघ रिपोर्ट 2019 में कर्नाटक का है। उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है 442। इसके बाद उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होने के बावजूद भी चौथे स्थान पर है 173। बिहार 31, सुंदरबन 88, हां, और महाराष्ट्र का चतुर्थ स्थान है कौन सा बताइए, 312 के साथ चतुर्थ स्थान कौन सा है बताइए, महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 173 हैं, बिहार में 31 है, और सुंदरबन में कितने हैं बताइए, 88 है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवास स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, बीच में एक बार थोड़ी सी दिक्कत हुई थी लेकिन फिर यह टॉप पे आने में सफल रहा, मध्य प्रदेश का इंदौर। सबसे स्वच्छ राजधानी मध्य प्रदेश में भोपाल है, यह भी अच्छी बात है। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड इस बार दिया गया छत्तीसगढ़। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है, जितने पॉइंट्स पढ़ने हैं उतने ही आपको बता रहा हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 की अगर हम लोग बात करें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया गया। शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला कौन सा है, पेड़ापल्ली जो तेलंगाना में है। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, है ना। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य तमिलनाडु, और शीर्ष रैंक प्राप्त जिला आपका कौन सा है बताइए, पेड़ापल्ली है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, सबसे प्रथम स्थान कौन सा है, महाराष्ट्र का, और सबसे अंतिम स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थान किसका है बताइए, महाराष्ट्र का, और अंतिम स्थान आपका किसका है, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 ये भी देख लीजिए। हां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी है। सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान है आपका राजस्थान का,
किसका? राजस्थान का। वैसे भी राजस्थान में इस समय हलचल चल रही है, आप देख रहे हैं कई कई तरह की बातें आ रही हैं और वहां पर राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। राज्यपाल का नाम भी वहां पर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मिलान करने के लिए इस बार राज्यपाल से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। जहां जहां दिक्कतें हुई हैं वहां वहां पर आप राज्यपाल का नाम जरूर याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी, सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है, सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान बिहार का है, और सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो अंतिम स्थान पर है वो कौन सा है बताइए? केरल है। मतलब केरल सबसे अच्छा राज्य इस मामले में, क्योंकि सबसे अंतिम स्थान पर है, और सबसे भ्रष्ट राज्यों में सबसे जो भ्रष्टतम राज्य है वो कौन सा है आपका? राजस्थान है। आइए, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019, यह सब भारत सरकार की रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला राज्य कौन सा है बताइए? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मौत कहां पर हुई? उत्तर प्रदेश में। दो अलग अलग आंकड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना कहां पर हुई तो तमिलनाडु में हुई, और सड़क दुर्घटना से सबसे ज्यादा क्षति कहां पर हुई, सबसे ज्यादा मौत कहां पर हुई तो वो उत्तर प्रदेश में हुई, इसको आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट देख लीजिए। चलिए, पहला इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, तो अगर पहले इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से हम लोग देखें तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो कर्नाटक को मिला है प्रथम राज्य। द्वितीय स्थान कौन सा है? तमिलनाडु का है, और अंतिम स्थान पर कौन है? झारखंड। ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर इनोवेटिव राज्य में जो नवाचार सूचकांक 2019 भी हम लोग इसको कह सकते हैं, पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, कर्नाटक का स्थान पहला है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है, अंतिम स्थान झारखंड का है, क्लियर है। आइए, अंतिम से दूसरा स्थान अगर हम लोग देखें तो किसका है? बिहार का है। ठीक, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य दिल्ली है, राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर हम पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों का एक अलग से जो है लिस्ट है, प्रथम स्थान सिक्किम का है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है। ये पहाड़ी राज्यों की बात हम लोग अगर यहां पे कर रहे हैं तो ये डाटा निकल के सामने आ रहा है। आइए, पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, चलिए इसमें बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम लोग आंकड़े देखें तो प्रथम स्थान केरल का है, द्वितीय स्थान राजस्थान का है, और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो आपके प्रदेश के लिए बहुत ही जो है मतलब अच्छा संकेत नहीं है, इसमें काफी मेहनत करने की जरूरत है। आइए, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बने तो इसमें काफी मेहनत आपको यहां पर करनी है। स्वास्थ्य विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों में प्रथम स्थान जो है कौन सा है? केरल का है, राज्यों में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, और अंतिम स्थान किसका है? बिहार का है। यह भी ध्यान रखना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और अंतिम स्थान कौन सा है बताइए? बिहार का है। तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें डिस्कस की, एक नए एपिसोड के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि संस्थान में जो है यूपीएसआई का जो बैच है रैंकर्स बैच, जो 7 तारीख को प्रारंभ होना है, उसमें प्रवेश प्रक्रिया अभी भी आप लोगों की जारी है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए रैंकर्स RSI लिखकर, एंट्री RSI लिखकर, और आप जो है प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। ये इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग का आपका बैच है, जिसमें पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है IMR का। अगर आपको केवल मैथ में एडमिशन लेना है, केवल रीजनिंग में लेना है, या मैथ रीजनिंग के कॉम्बो में लेना है न्यूनतम फीस के साथ, तो एंट्री MR लिखकर भेज दीजिए। ये इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग की या कॉम्बो के लिए नंबर है, ये SI के लिए नंबर है, और लेखपाल की जो 8000 वैकेंसी आ रही है उसके लिए एक बहुत शानदार बैच संचालित हो रहा है, इसमें एंट्री लेखपाल लिखकर आप भेज दीजिए तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। या नीचे दिए गए किसी भी नंबर्स पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल करके किसी भी जो है प्रवेश से संबंधित सूचना ले सकते हैं, या डायरेक्ट फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। चर्चित पुस्तकों को हम लोग अगले एपिसोड में शामिल करेंगे, जो आपको कल मिलेगा। चर्चित पुस्तकों को हम लोग अगले कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में मेरी तरफ से इतना ही। आप जहां पर भी हो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें,
बहुत ज़्यादा कोविड केसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी हमारे संस्थान की ईश्वर से प्रार्थना है। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्व करने के लिए, देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।